उसको कैसे बोलते हैं, ये बंदा आता है, इस पर रश करने, इसको तो नॉक दे देते, तो दूसरा बंदे वहाँ से फ्री फायर देता है। डीमर मुझे इतना कुछ हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो बैटलग्राउंड्स मॉल इंडिया। सो आज हम खेलने जा रहे हैं डुओ वर्सेस स्क्वाड हमारे टीममेट नाम भाई के साथ। सो उतरे हम लोग पोचिंकी के अंदर, जिसमें कितनी स्क्वाड आई है उतना तो हम लोग देखे नहीं थे, बट फायरिंग के बाद से जहाँ तक मुझे लग रहा था 3 से 4 स्क्वाड तो आई ही है कम से कम। सो हम लोग उतरे थे यहाँ पे पोचिंकी के रोड साइड वाले स्क्वाड, मतलब ट्रिपल बिल्डिंग साइड वाले घरों में, जहाँ पे हम अपनी लूट्स कंप्लीट कर रहे थे, उनमें हम लोग फायरिंग भी आ रही थी। सो फटाफट अपने लूट कंप्लीट करके एक दुकान लेके चलेंगे बंदों के ऊपर। सो गैस मेरे हाथ में 30 कारल और वेक्टर ट्रिपल पर रहता बंदा, तो देखो इसको कैसे बढ़ते, तो इसको इजी नॉक देता हूँ मैं अपने टीममेट को, मार करता हूँ ट्रिपल बंदा, तो वो राइट से पुश करता हूँ, मैं लेफ्ट से पुश करता हूँ। ओपोनेंट्स की और पोजीशन हमें पता नहीं थी, तो जैसे ही मैं रोड क्रॉस करता हूँ ओपन से, तो मेरे साथ क्या होता है देखो, सामने शैक से मुझ पर फायर होता है, तो उसको काउंटर अटैक देने के बाद, यहाँ काउंटर अटैक देने के बाद हम लोग ट्रिपल पर रश कर देते हैं। ट्रिपल पर नॉक के अलावा एक बंदा और बैठा है तो उनको पता नहीं था, बट मेरा टीममेट जैसे जैसे घुस के उसको नॉक दे देता है, और आखिरी बंदा सामने से मेरे को पता था, तो मैं यहाँ पहले से बैठ देता हूँ, जैसे ही वो ओपन मारता उसको भर देता हूँ। सो गाइस अभी भी यहाँ पे एक स्क्वाड और है जो रहती है फाइबर सेल की तरफ, तो आइए उसको क्लियर करते हैं, कैसे करते हैं आइए देखते हैं। सो गाइस जैसे ही हम यहाँ पहुँचते हैं, तो स्टार्टिंग में तो मुझे एक दो बंदे की फोटो आ रही थी, बट यहाँ नहीं रहते पूरे के पूरे 4 बंदे, और यहाँ पे मेरा टीममेट होता तो नॉक, और मेरे सामने होती है सोलो वर्सेस स्क्वाड की सिचुएशन। तो कैसे बढ़ते हैं हमें देखते हैं, मेरा टीममेट हो चुका है नॉक, सामने बंदे रहते हैं, ये बंदा आता है इस पर रश करने, इसको तो नॉक दे देते, तो दूसरा बंदे वहाँ से फ्री फायर देता है। ओ भाई साहब इसको काफ़ी गंदा भरा है, यहाँ पर पहले मैं तुरंत हील करता हूँ, हील करने का आगे देखते हैं किस तरह से इनको क्लियर किया जाएगा। उतना में वो बंदे भी अपने टीममेट्स को रिवाइव मिल जाते, उतना में मुझे भी टाइम मिल जाता, मैं भी अपने टीममेट को आके यहाँ पे रिवाइव देता हूँ। सो जैसे कि मैं ऊपर आता हूँ रिवाइव देता हूँ इसको, बंदे अब रिवाइव होकर हील मार के रश करने की पूरी फिराक में रहते हैं। तो गाइस यहाँ पे हम कैसे बचते हैं चलिए देखते हैं। तो अपने टीममेट को रिवाइव देने के बाद नीचे खींच देता हूँ, बंदे इतने फोर्स दे रहे थे पूरा कन्फ्यूजन हो रहा था, बट मैं एकदम तैयार बैठा था, जैसे ही बंदे आएंगे उनको भर दूंगा। तो गाइस देखो कैसे भरा रहता है, पहला बंदा नॉक, दूसरे को काफ़ी लो किया, टीममेट को नॉक कर दिया। और गाइस ये प्रोन शूटर को कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना गाइस। सो 1v4 था यहाँ पे, बट जो दूसरा बंदा को मैंने लो किया उसको मेरा टीममेट नॉक कर दिया, तो इस चलते यहाँ पे 1v3 हो जाता। सो गाइस फिर भी आपको ये क्लच कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना, इस क्लच के लिए 1 लाख तो बनता है गाइस, 1 लाख ठोक दो गाइस। तो भाई लोग पूछेंगे क्लियर करने के बाद हम लोग आया था पार्ट्स में, तो पार्ट्स में तो कोई स्क्वाड रहती नहीं है, बट बाहर से एक स्क्वाड आती है। यहाँ पे मैं बार बार गाड़ी से कुचलते हुए बचता हूँ, और मैं अंदर जाता हूँ, अंदर जाने के बाद मैं यहाँ पे टीपी भी लेता हूँ, मुझे पता था यहाँ से बंदा आएगा, जैसे ही आता है इजी नॉक, दूसरा बंदा यहाँ से आता है, और भाई साहब दूसरे बंदे को मैं नॉक दे देता हूँ, बाकी के 2 बंदे को मेरा टीममेट मार देता है। तो यहाँ पे एक अच्छा टीम वर्क के साथ ये स्क्वाड को हम लोग कर देते हैं पल भर में ख़त्म। सो गाइस ये बहुत जल्दी ये स्क्वाड ख़त्म हो गया, तो इसके लिए भी एक लाइक आप कर सकते हो, बाकी आपको कैसा लगा कमेंट्स में बताना जरूर, और बुरा लगा इस स्क्वाड के लिए बहुत बुरा लगा। इतने में गाइस ऊपर वाली रिज पे आ जाती है एक और नई स्क्वाड। सो गाइस डीमर मुझे इतना तो चलानी आती नहीं है टैप टैप वाली गन, तो मेरा टीममेट बहुत अच्छा चलाता, तो वो नॉक पे नॉक दे रहा था, बट मैं यहाँ पे खाली डैमेज दे रहा था, उसके अलावा मैं कुछ नहीं करता था, क्योंकि उनकी एटेक सेंस ही मुझे, मतलब शॉट्स मारने लायक वाली सेंस ही नहीं है मेरी, इस चलते मैं ढंग से मार नहीं पा रहा था, डैमेज दे रहा था, मेरा टीममेट नॉक दे रहा था, बट उन रश करने की फिराक में थे नहीं, क्योंकि उनके पास है हायर रिज, तो यहाँ पे वो बंदे ही उन पर रश करते हैं, देखो कैसे रश करते हैं। यहाँ पे मेरा टीममेट भी फिनिश हो जाता है, उनके पास रहती है बोल्ट एक्शन और DP, तो 3 से 4 बार मेरे टीममेट ने ओपोनेंट के टीम को नॉक दिया, और जैसे कि मैंने कहा था मेरे टीममेट हुआ था फिनिश, तो यहाँ पे उसको कार नीचे नॉक कर दिया गया, वो छत पे था, तो एक और शॉट मार के लो कर दिया था, और DP वाले ने उसको कर दिया था फिनिश। तो गाइस अब यहाँ से ये मैच हो चुका है सोलो वर्सेस स्क्वाड का, और ये बंदे मेरे पे रश करेंगे, और देखो मैं इन्हें कैसे करता हूँ। उतने में वो बंदे ओपन से पीछे आ रहे थे, तो मैंने स्पॉट किया, और यहाँ पे देखो कैसे भरते हैं। तो गाइस यहाँ पे एक बंदे को देता हूँ सीधा नॉक फिनिश। तो गाइस ये स्प्रे आपको कैसा लगा कमेंट्स में बताना जरूर, एंड इस स्प्रे के लिए भी आप एक लाइक कर सकते हो। एंड यहाँ पे अब ये सिचुएशन हो चुकी है 1v3 की गाइस,
उतने में वो बंदे आगे आने की कोशिश करते हैं, मैं स्प्रे देने की कोशिश करता हूँ, वो वहीं रुक जाते हैं। तो गाइस अब वहाँ से वो थोड़े शॉट्स देते हैं, मैं यहाँ से शॉट देता हूँ, तो थोड़ी देर ये लंबा ऐसे चलने में, तो मैं आपको डायरेक्ट ले चलता हूँ जब वो मुझ पर रश कर चुके होते हैं। तो भाई लोग अभी ये तीनों बंदे घुस चुके हैं मेरे बिल्ड में और मेरे पे करने वाले रश। तो पहला बंदा ऊपर आने की कोशिश करता है, देखो इसको कैसे डैमेज देके भगाता हूँ। इतना में ये लोग मुझ पे कर देते स्टन, मेरा व्यू ब्लॉक कर दिया और मेरे पे करते रश। अब देखो इनको कैसे भरता हूँ। पहला बंदा नॉक और गाइस यहाँ पे हो चुका है ये कमाल का 1v3 क्लच। तो गाइस आपको ये क्लच कैसा लगा कमेंट में बताना ज़रूर, और इस क्लच के लिए एक लाइक तो ज़रूर बनता है, एक सब्सक्राइब भी बनता है गाइस, क्योंकि ये क्लच मुझे बहुत पसंद आया जब मैं उस टाइम किया था ना भाई, मैं एकदम लिटरली एकदम क्या बोलूँ गाइस, मुझे इतनी खुशी हुई थी। बस MK का पावर गाइस बहुत खतरनाक करना गाइस। पहला बंदा को ईजी नॉक देता हूँ, बाकी के दो बंदे को रैंक 4 से ले जाते हैं और यहाँ पे स्क्वाड भी हो जाती है ईजी फिनिश। तो गाइस इस कमाल के 1v4 के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी दबा देना गाइस। अब जैसे ही अपार्ट से मैं निकल रहा तो देखो मेरे साथ क्या हादसा होता है। राइट में आती है ऊपर एक और स्क्वाड और यहाँ पे तो मैं बचता हूँ बाल बाल गाइस। यहाँ पे मेरी गाड़ी को भी फोड़ जाता हूँ मैं, देखो कितनी कम एचपी में बचता हूँ। यहाँ पे जैसे तो मैं स्मोक करके हील अप करता हूँ बंदे को, देखो कैसे भरते हैं। सो गाइस ये रहते दो ही बंदे और यहाँ पे पहला बंदा तो मैं नॉक देता हूँ, दूसरा बंदा मुझे दिख नहीं रहा था, फायर दे रहा था, मुझे नेट्स कर रहा था, मुझे दिख नहीं रहा था। एक्चुअली जो बंदा है ना वो सामने जो रेंग रहा है ना, मुझे लगा था वो जो नॉकआउट किया हुआ बंदा है ना वही रेंग रहा, बट एक्चुअली वो दूसरा बंदा था। तो वहाँ पर मेरा कन्फ्यूजन है, तो मैं नेट्स करता हूँ पेड़ करूँ, मुझे लगा दूसरा बंदा उसका पेड़ पे है, बट यहाँ पे मॉली जाती तो मुझे पता चलता है कि दूसरा बंदा भी यहीं पे है। देखो वो मॉली डैमेज करता है, मेरे पे नेट आता है और गाइस उस टाइम लिटरली मुझे नहीं पता था कि वो बंदा वहीं लेटा हुआ था। मॉली की डैमेज खाने जब वो बंदा वहाँ से उठा तब मुझे पता चला कि ये दूसरा बंदा है, तब तक मैं वही सोचा कि नॉकआउट वाला बंदा वहाँ पे है। तो भाई यहाँ पे ये कन्फ्यूजन हो जाते हैं, बट बार बार गए मैं यहाँ पे बच जाता हूँ, यहाँ पे 2 किल मुझे और मिल जाते हैं। तो गाइस काफ़ी देर ढूंढने के बाद मुझे बाकी के बंदे नहीं मिलते, तो मैं आता हूँ यहाँ पे जोन में एक छोटा सा घर पे, उतना में राइट से बग्गी आती है, बग्गी में रहते दो बंदे, तो देखो इनको कैसे भरते हैं। मुझे पता नहीं था कि गाइस यहाँ पे मेरा 1v4 है, क्योंकि बग्गी में दो बंदे आते हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे 1v2v2 है, बट जैसे यहाँ पे दूसरा बंदा नॉक होता है तो मुझे यहाँ क्लियर हो जाता कि अब मेरे सामने 1v4 का सिचुएशन था जिसमें दो बंदे मैं मार चुका हूँ, और तो अब लास्ट में बचता 1v2 का सिचुएशन। सो मुझे लिटरली नहीं पता कि बग्गी वाले और बाकी के जो दो बंदे एकदम सेम है, क्योंकि दो बग्गी से अलग घूम रहे हैं, तो यहाँ पे ये क्लियर होता कि अब 1v4 ही था, तो यहाँ पे दो बंदे तो क्लियर हो चुके हैं, बाकी के दो बंदे को मुझे स्पॉट करना था। हाँ उनको तो मेरी पोजीशन पता है कि उनके दो बंदे मैंने मारा था और सामने से वो सर शॉट्स भी दे रहे थे, तो बस धीरे धीरे स्पॉट करने की, और सामने वाले फिर थी ओम। अब ओम के सामने गाइस मैं तो पिक करने वाला नहीं था, तो देखो कैसे भरा जाता है इनको। तो बाकी ये दो बंदे मेरे पे देते कंटिन्यूस फायर, ओम जो शॉट्स मार रहे थे तो पिक भी नहीं कर पा रहा, तो जैसे ही पहला शॉट मिस करता था उसको डैमेज देता है, यहाँ पर इसको पहुँचूंगा अच्छा खासा डैमेज, तो यहाँ पे मैं इसको इजी नॉक कर सकता, इसलिए मैंने स्प्रे दिया। अब दूसरा बंदा मेरे को यहाँ पे हो जाता है स्पॉट, उसको लगता है कि वो दिख नहीं रहा है, बट हाँ उसमें से उसका चेहरा दिखा रहा है। तो गाइज यहाँ पे मिल चुका है हमें एक डिलीशियस चिकन डिनर विद 17 किल्स। और गाइज आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, आपका फेवरेट पार्ट कौन सा था, फेवरेट क्लच कौन सा था कमेंट में जरूर बताना। गाइज मुझे तो पार्ट्स वाला क्लच काफ़ी पसंद आया, तो आपको कौन सा अच्छा लगा बताना जरूर। सो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना, बेल आइकन भी दबा देना गाइज, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, पीस आउट।